इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और साथ ही विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होती है, शक्ति क्या होती है, विभव और विभवांतर, इन सभी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, आज हम विद्युत से रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स बचे हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धारा क्या होती है। धारा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी चालक में इसकी परिभाषा होती है, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आवेश जो होती है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में है वह उसका आवेश है। अगर संख्या ज़्यादा होगी तो आवेश अधिक होगा, संख्या कम होगी तो आवेश कम होगा। चलिए इसे देखते हैं। धारा जो है वह आवेश प्रवाह की दर होती है। आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और दर बोला है तो समय, तो ये टी आपका समय होता है और क्यू आपका होता है आवेश। अगर इसका मात्रक देखेंगे तो आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो धारा का मात्रक होगा आपका कूलाम प्रति सेकेंड, इसे दूसरी भाषा में बोला जाता है एम्पियर। इसका एक और मात्रक होता है एम्पियर। एक एम्पियर का मान क्या होगा, एक आवेश अगर किसी चालक में प्रवाहित हो रही है और समय है आपका एक सेकेंड, मतलब एकांक समय। अगर एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को एक एम्पियर कहा जाता है। चलिए इसका मात्रक हमने देख लिया कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसे आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, अगर एकांक समय में अगर किसी चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है तो आप इसका दूसरा फार्मूला बना सकते हो। ये आपका न्यूमेरिकल में अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट दिया रहेगा कि यदि किसी चालक तार में मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं और आपको समय दिया रहेगा तो आप इसमें पुट कर इसका मान निकाल सकते हो। ई का मान आपका फिक्स होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो ई का मान आपको पहले से पता है, एन का मान और टी का मान आपको दिया रहेगा, आपको बोलेगा धारा का मान ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार आवेश का मान दिया रहेगा और समय दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि धारा क्या होगा, तो आपको इस फार्मूले को यूज़ करके सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं हम ओम का नियम। ओम के नियम में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ओम का नियम होता है यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था होता है आपका ताप, अगर उसमें परिवर्तन ना हो या फिर उसकी पदार्थ की विकृति में परिवर्तन ना हो तो जो V=, होता है V=IR, ठीक है। जो वोल्टता होगा वोल्ट वो आपके धारा के समानुपाती होता है। अगर आप समानुपाती को हटाते हो तो आपको मिलता है R×I। R एक प्रकार का नियतांक है और यही नियतांक होता है आपका प्रतिरोध। यहाँ पर जो V है वो आपका वोल्ट है और I जो है वो धारा है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए हमारी जो सीरीज चालू हुई है ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्रतिरोध पर आधारित प्रश्नों को देखा था, तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर V जो है वो वोल्ट है, I जो है धारा है और R जो है वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो भी आपकी रुकावट आएगी उसी रुकावट को कहा जाता है प्रतिरोध। यहाँ पर I धारा है और V वोल्टता है। ओम के नियम लागू होने के लिए आपका भौतिक अवस्था नियत होनी चाहिए और दूसरा होता है आपका ताप भी नियत होना चाहिए। जैसे लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका एक निश्चित होना चाहिए, क्योंकि लंबाई की वजह से आपका प्रतिरोध प्रभावित होता है, और साथ ही ताप भी आपका निश्चित होना चाहिए क्योंकि ताप की वजह से भी आपका प्रतिरोध प्रभावित होता है। V=IR, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब आपका प्रतिरोध जो है वो निश्चित हो, और प्रतिरोध निश्चित रखने के लिए आपको ताप को नियत रखना पड़ेगा। अगर ताप आपका बढ़ेगा या फिर घटेगा तो उसकी वजह से आपका प्रतिरोध प्रभावित होता है। ताप बढ़ाने से आपका जो प्रतिरोध है वो कम होता है, उसी प्रकार लंबाई और एरिया होता है। लंबाई का ये रिलेशन होता है, अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा
और R का ये रिलेशन होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, अगर आप क्षेत्रफल कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, या फिर क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो ये सब रिलेशन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अगर किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा। उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम कम कर देते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसमें देखिए दूसरा फार्मूला कल मैंने बताया था, अगर आपका आई का मान निकालना है तो आई क्या होता है, वी अपॉन आर। उसी प्रकार अगर आपको आर का मान निकालना है तो आर क्या होगा, वी अपॉन आई। आर जो है आपका इक्विवेलेंट होता है, कल हमने पढ़ा था, अगर श्रेणी क्रम में है तो दो प्रतिरोध दिए हैं तो उसे जोड़ देते हैं, उसी प्रकार अगर समांतर क्रम में है तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसका हमने शॉर्ट भी देखा था, R1 R2 / R1 + R2। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हमने देखे थे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए ये हुआ आपके ओम के नियम के बारे में। अगला हम देखते हैं विभव क्या होती है और विभवांतर क्या होती है। देखिए विभव जो है किसी भी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विभव कहा जाता है। विभव को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी प्रकार विभवांतर को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। विभव का अगर आप देखोगे तो इसका यह एक प्रकार का कार्य है, क्योंकि अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो ये एक प्रकार का कार्य है, और यहाँ पर जो आवेश है वो एकांक होता है। तो विभव का ये सूत्र होता है, विभव बराबर होता है एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, उसका विभव कहा जाता है। उसी प्रकार विभवांतर जो होता है विभव में अंतर, V2 - V1 मतलब विभव में अंतर से बना है आपका विभवांतर, तो इसे कहा जाता है आपका विभवांतर। इसका भी मात्रक आपका वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक आपका वोल्ट होता है। तो ये हुआ विभव और विभवांतर के बारे में। चलिए धारा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है एक तार में 10 मिनट दिया है, T = 10 मिनट, 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है। कूलाम दिया है आपका, 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, तो आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए धारा का मान हमने पढ़ा Q/T, यहाँ पर जो T रहेगा वो हमेशा आपका सेकेंड में रहेगा, तो Q आपका कूलाम में रहेगा, तो 30/ ये आपका मिनट में दिया है, तो मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 600। ये आपका इस प्रकार कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 1/20, तो आपका धारा का मान आया 1/20, इसे आप दशमलव में भी बदल सकते हैं, 0.05 एम्पियर। तो इस प्रकार आप धारा का मान ज्ञात कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं हम प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता आपका क्या होती है, सबसे पहले हमने ओम के बारे में पढ़ा, जो प्रतिरोध होती है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया के 1/A प्रोपोर्शनल होती है। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो R = इसे मिला देंगे तो आपको क्या बनेगा, L/A। यहाँ पर R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/L के, जब आप इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा आपका ρ × L/A। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके व्यापम के परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर R जो है वो प्रतिरोध है, ये जो है लंबाई है, चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल या फिर अनुप्रस्थ काट बोला जाता है इसे, और ये जो रो है आपका प्रतिरोधकता है। इसका रिलेशन भी आपको पूछ सकता है, देखिए यहाँ पर अगर रो का मान आप निकालोगे तो R × A/L होता है, ये जो रो का मान निकालोगे तो A इसके बगल में आ जाएगा और L जो है नीचे आ जाएगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसको देखिए रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A होता है, रो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L होता है। अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो इसका मान कम होगा, अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, क्षेत्रफल कम करोगे तो ये कम होगा। अगर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपोजिट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट, अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा दोनों साइड, कम करोगे तो कम होगा। उसी प्रकार अगर इसे देखोगे, इसे कम करोगे तो ये बढ़ेगा, इसे कम करोगे तो ये आपका बढ़ेगा, जस्ट उल्टा होता है। तो इसको आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न दिया गया है किसी चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई 1.1 मीटर है, आगे बोला है आपका इसकी त्रिज्या आर का मान 0.01 मिलीमीटर है, यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर है। अगला बोला है पदार्थ की प्रतिरोधकता, अभी हमने पढ़ा प्रतिरोधकता 4.9 × 10⁻⁷ है,
फिर आपको बोला है इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आर का मान आपको ज्ञात करना है, उसी फार्मूले को आपको यूज़ करना है, लेकिन केवल एक चीज़ याद रखना है, आपको यूनिट को बराबर करना है। एक चालक तार इस प्रकार होता है, तो इसका आपका त्रिज्या दिया है आर का मान 0.1 मिलीमीटर, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पाई 22/7 गुणा आर का मान 0.1 गुणा 0.1, तो इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22.0, ये आपका आगे एरिया का मान। अब इसको आपको वैल्यू पुट करना है, रो का मान हमने देखा, रो बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन एल, तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला हम देखते हैं विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व मतलब होता है किसी भी तार में किस प्रकार विद्युत प्रवाहित होगी, कितनी प्रवाहित होगी, ठीक है। जैसे चांदी का विद्युत चालकता आपका सबसे ज़्यादा होता है, विद्युत चालकता मतलब ये अपने से विद्युत किस प्रकार प्रवाहित कर सकती है, कितनी ज़्यादा, चांदी का सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला आता है आपका तांबा का, तांबा के बाद आता है आपका एल्यूमिनियम का, इसके बाद आपके जितने भी धातु हैं वे सभी आते हैं। जैसे इसके बाद अगर आप लोगे, ये क्रम आपका परीक्षा में पूछा जाता है चालकता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे अधिक चालक होता है आपका चांदी। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक चालक है, तो चांदी है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, और उसके बाद है आपका लोहा। आप देखोगे आपके तांबा को कॉपर कहा जाता है, अगर जो सीलिंग फैन है उसमें महंगा आता है आपका कॉपर वाइंडिंग, क्योंकि कॉपर आपका महंगा धातु है, वहीं पर अगर आप कॉपर वाइंडिंग की जगह एल्युमिनियम वाइंडिंग कराते हो तो आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो आपका सस्ता होता है और ये आपका ख़राब भी जल्दी होता है, ठीक है। क्योंकि एल्युमिनियम आपका, इसकी चालकता कम होती है, यह विद्युत को अच्छे से प्रवाहित नहीं कर पाते, इस कारण ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तांबा जो है कॉपर, इसकी चालकता अच्छी होती है, तो ये जो है आपका लंबे समय तक इसीलिए चल पाता है, और साथ ही इसका वाइंडिंग आपका महंगा होता है। तो हम पढ़ रहे थे चालकत्व के बारे में। चालकत्व को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/ प्रतिरोध। अगर किसी भी मार्ग में रुकावट कम रहेगी तो उसकी जो चालकता है वो अधिक रहेगी। कोई भी तार में अगर आप बीच बीच में इसे रोक दोगे इस प्रकार, तो इसकी जो चालकता है वह रुक जाती है। उसी प्रकार अगर प्रतिरोध आपका कम रहेगा, जितना कम उतनी अधिक चालकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो चांदी है इसका जो चालकता सबसे अधिक होती है, मतलब इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसी कारण यहाँ पर जो विद्युत है वो प्रवाहित हो पाती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो होते हैं इस प्रकार आपके, पहले आपका विभव उत्पन्न होता है, विभव की वजह से धारा प्रवाहित होती है, धारा की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं, और वे इस प्रकार जो अणु परमाणु होते हैं उससे टकराते हैं, टकराने से ये जो है इसको रुकावट पैदा करती है, ठीक है। तो रुकावट पैदा की वजह से यहाँ पर आपका ताप भी उत्पन्न होता है, तापीय प्रभाव आप इस टॉपिक में पढ़ोगे, जिसमें आपका इसी स्ट्राइक जो टकराता है उसकी वजह से ताप भी उत्पन्न होता है, और साथ ही इसका जो ऊर्जा है वो आपका क्षय भी होता है। तो ये आपका अवरोधक के रूप में काम करते हैं, तो ये चालकता से आपका कुछ इसी प्रकार रिलेटेड है। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता अधिक होगी। इसका मात्रक देखते हैं, जी का मात्रक होता है आपका महो या फिर ओम इनवर्स 1/R। यहाँ पर R जो है उसका मात्रक ओम होता है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका ओम इनवर्स हो जाएगा। इसी को महो भी कहा जाता है और इसी को कहा जाता है साइमन। ये आपके तीन मात्रक हैं, इसके याद रखिएगा। चालकता का क्या मात्रक है पूछ देता है डायरेक्ट, तो चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स, महो या फिर साइमन। ये आपके वैज्ञानिक के नाम है, भौतिक शास्त्री के, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको V का मान दिया है और I का मान दिया है, और आपको बोलेगा चालकता ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, चालकता का मान होता है 1/R। यहाँ पर सबसे पहले आप R का मान ज्ञात कर लीजिए, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR, तो R का मान ज्ञात करोगे तो V अपॉन I, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका V अपॉन I। ये मान को आपको रख देना है, मान रखने के बाद आपको 1/R निकालना है, तो G इक्वल टू होगा 1/R, इसे आप 1/R का मान रख दोगे, फिर इसे सॉल्व करोगे तो आपको जी का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप चालकता पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं हम विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी इक्वल टू आपके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, पहला एक फार्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी इंटू आई। आपको प्रश्न में दिया रहेगा वी का मान और आई का मान, आपको बोलेगा शक्ति ज्ञात कीजिए,
तो आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको शक्ति मिल जाएगा।